गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे शब्द। क्या पढ़ रहे थे? किसके बारे में पढ़ रहे थे? शब्द के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? शब्द के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने कल क्या पढ़ा शब्द के बारे में? कल हमने क्या पढ़ा था शब्द के बारे में? कल हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार तीन प्रकार पढ़े थे। उसमें हमने रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से पढ़े थे? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आज हम किसके आधार पर पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम क्या पढ़ते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है तत्सम शब्द। कौन सा होता है पहला? तत्सम शब्द। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा कौन सा होता है? तद्भव शब्द। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा कौन सा होता है? देशज शब्द। तीसरा कौन सा होता है? देशज शब्द। चौथा कौन सा होता है? चौथा कौन सा होता है? विदेशी शब्द। चौथा कौन सा होता है? विदेशी, विदेशी शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार प्रकार होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? हम सबसे पहले जानेंगे तत्सम शब्द के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? तत्सम शब्द के बारे में। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा क्या है? हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हैं, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त है, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की क्या है? जननी है। क्या है? जननी है। संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं, बिना किसी परिवर्तन के, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। जब वो हिंदी में आते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो समझ में आया तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। आशा।
आशा, चंदर, ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्या है? तद्भव शब्द। नेक्स्ट क्या है? तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द तो वे होते हैं, वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो जाते हैं, वो तो तत्सम शब्द होते हैं। और अब हमको देखना है तद्भव शब्द कौन से होते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कौन से होते हैं तद्भव शब्द? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वे तद्भव कहलाते हैं। क्या होता है थोड़ा बहुत अंतर होता है? जब वो संस्कृत से किस में आते हैं? हिंदी में आते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है? अंतर होता है। वो कौन से कहलाते हैं? वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, जैसे आग, खेत, खेत, घर, घर, चांद आदि, ये क्या है? तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द किसको कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, वे क्या कहलाते हैं? वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, खेत, घर, चांद। ओके, नेक्स्ट क्या है? देशज शब्द। क्या है? देशज शब्द। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए, वे देशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं। तो देशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर किस में आए? हिंदी भाषा में आए। कहाँ से आए? ग्रामीण क्षेत्रों के जन समुदाय द्वारा आए, निर्मित होकर आए। और क्या हुए? हिंदी भाषा की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए, वे देशज शब्द कहलाते हैं। और इन्हें क्या भी कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं। जैसे गाड़ी, ये क्या है? देशज शब्द है। बोलते हैं ना ग्रामीण लोग, गाड़ी, लोटा, बेटा, लोटा, बेटा, गाड़ी, जूता, जूता, खुरपा, ये क्या है? ये देशज शब्द है। क्या है? देशज शब्द है। ओके, और नेक्स्ट क्या है? विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं? किसके बारे में जानना है हमको? विदेशी शब्द के बारे में। किसके बारे में? विदेशी शब्द के बारे में। जो शब्द विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि से हिंदी भाषा में आ गए तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज, जैसे मेज, कुर्सी, कुर्सी, स्टेशन, चाकू, ये क्या है? कोट, ये क्या है? विदेशी शब्द। क्या है ये? विदेशी शब्द।
कौन से होते हैं विदेशी शब्द? जो शब्द विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी आदि से हिंदी भाषा में आ गए तथा हिंदी भाषा में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिए हुए विदेशी शब्द होते हैं, जैसे मेज, कुर्सी, स्टेशन, चाकू, कोट। ये क्या है? ये विदेशी शब्द है। ओके, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? आज हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े। क्या पढ़े? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार पढ़े। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द के बारे में हमने क्या पढ़ा? तत्सम शब्द के बारे में हमने पढ़ा संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तत्भव शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत क्या हुआ? अंतर आ गया। थोड़ा बहुत अंतर आ गया संस्कृत भाषा से हिंदी में जब वो आए तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ गया, वो क्या कहलाते हैं? तत्भव शब्द कहलाते हैं। और देशज शब्द कौन से हैं? जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए वे देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी से हिंदी भाषा में आ गए तथा हिंदी भाषा में थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया गया वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। कितने प्रकार पढ़े हमने? चार प्रकार। ओके, तो आपको क्या करना है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार को अच्छे से समझना है। क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है, इनको अच्छे से समझना है कि ये प्रकार कौन कौन से होते हैं और ये प्रकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्भव शब्द कौन से होते हैं? देशज कौन से होते हैं? और विदेशी शब्द कौन से होते हैं? इसके बारे में आपको क्या करना है? अच्छे से जानना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। क्या पढ़ेंगे कल हमें? प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार। ओके ओके बच्चों, ओके, थैंक यू बच्चों।